आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली मटर मखाना की सब्जी, वो भी बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बड़े चम्मच लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। यार इन मसालों के बिना ना इंडियन कुकिंग तो बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, अब डालेंगे इसमें लहसुन, उसको 1-2 मिनट सौटे करेंगे। जब लहसुन को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, फिर हमने क्या करना है, फिर डालने हैं हमने प्याज। यहाँ पर मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं जिनको मैंने लंबा और पतला काट लिया। ठीक है, प्याज को डालने के बाद 1-2 मिनट सौटे करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े टमाटर काट के। बस टमाटर डालने के बाद हमने इनको क्या करना है, लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाना है, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि ना जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर क्या करना है, हमने इनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। तो चलिए फिर इन्हें पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। ये है जी काजू, जो मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रखे थे। इनका क्या यूज़ होगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए जी, ये मसाला तो बन गया है, अब इन्हें ग्राइंड करने की बारी आती है। इन्हें फटाफट कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड। तो अब क्या करना है, एक तरफ रखेंगे एक और कढ़ाई और उसमें डालेंगे मखाना। मखाना को हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ना क्रिस्प ना हो जाए। हम इनको लो फ्लेम पर करेंगे। अगर आपने फ्लेम को थोड़ा सा भी तेज किया तो इससे क्या होगा कि मखाने जल जाएंगे लेकिन वो रोस्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे ढंग से। ये देखिए बीच बीच में ना आप उठा के मखाने को देख सकते हो कि ये रोस्ट हुए हैं कि नहीं। अगर आपको लगे क्रिस्प हो गए हैं बढ़िया तरीके से, तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा। अगर थोड़ी कसर लगे तो 1-2 मिनट आप इसे और रोस्ट कर सकते हो। बस जी, इसी कढ़ाई में लेंगे हम 3 चम्मच ऑयल, बड़े वाले चम्मच। ठीक है, और उसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने पता क्या मसाला बनाया हुआ है, जो धनिया पाउडर, जीरा, मतलब इनको डाल के बनाया है, ये वाला मसाला डालेंगे। और साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। इनके कारण जो आएगा ना, मतलब कलर सब्जी में, वाह जी वाह, क्या कहने। इनको देखिए अब हिलाते हैं, हिलाने के बाद देखिए जो कलर इसका बनेगा ना ऑयल में, क्या लग रहा है ना, बिल्कुल मतलब मैजिक वाला कलर है ना। तो इसमें डालते हैं हम जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ना, वो डालते हैं इसमें, मतलब जो हमने ग्रेवी के लिए स्पेशल मसाला बनाया है। ये देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से ना मिक्सर ग्राइंडर को साफ कर लेंगे। मैंने आगे भी आपको बताया था कि जब भी मिक्सर ग्राइंडर को साफ करोगे ना तो स्पैचुला की हेल्प से करना, अगर चम्मच से करोगे ना, चम्मच से इतने अच्छे ढंग से वो क्लीन नहीं होता, सारा मसाला उसमें ग्राइंडर में लगा रहता है। तो इसको हिला लेते हैं, आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसे 5 से 7 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। जितनी देर इसमें पकना है हम क्या करते हैं, इसे दूसरी तरफ रखते हैं और इस तरफ रखते हैं कुकर। अब कुकर क्यों रखा है मैंने, यहाँ पे मैं मटर को ना विसल दिलाऊंगी। आप चाहो तो मसाले में भी मटर को पका सकते हो, पर मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली पहले ना जो मटर है उनको विसल ही दिलाती हूँ, देखती हूँ 3 से 4, जिससे मटर सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर इसे मसाले में डालती हूँ। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, मटर भी बढ़िया पक जाते हैं। अब मटर को विसल आ चुकी है, उसमें से स्टीम निकल चुकी है। अब क्या करते हैं, मसाले को 1-2 मिनट पका लेते हैं। अब जी डालेंगे इसमें मटर, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी पानी। 2 कटोरी पानी को डाल के इसको हमने अच्छे ढंग से इसमें उबाल आने देना है। जब इसमें बहुत बढ़िया तरीके से उबाल आ जाएगा, मतलब जो ग्रेवी है उबल जाएगी अच्छे ढंग से, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने डालना है जी इसमें, ये देखिए मैंने जो काजू आपको दिखाए थे उसकी मैंने पेस्ट बना ली है, अब वो इसमें डाल देंगे हम। और क्या करना है, अभी कटोरी में आप देख रहे हो कि काजू का पेस्ट जो है लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी डाल के ना कटोरी में इसको अच्छे ढंग से साफ कर लेते हैं। यार बहुत महंगी चीज़ें आती हैं तो वेस्ट क्यों की जाए। ये देखिए कटोरी को अच्छे ढंग से मतलब साफ़ कर लिया है पानी डाल के, और इस पानी को डाल देंगे मसाले में। इसको 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे। बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमने मखाना रोस्ट किए था ना वो मखाना हम डाल देंगे इसमें। मखाने को डाल के इसे अच्छे ढंग से हिला लेंगे। इसमें ना थोड़े मखाने मैंने रख लिए थे, क्योंकि जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ ना तो बच्चों को होता है कि हमें मसाला मखाना ज़रूर बना के देना। तो चलिए जी इसे 3 से 4 मिनट पकने देते हैं, जिससे मसाला भी गाढ़ा हो जाएगा। अब मसाला गाढ़ा हो चुका है और 3 से 4 मिनट हो गए, इसमें डाल देते हैं काजू। काजू डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। और देखिएगा जी क्या इसका कलर आया है, क्या बढ़िया लग रहा है।
जैसे जैसे ये पकेगी ना, तो ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। वाह जी वाह, क्या कलर आया इसका। बस इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी को क्रश करके। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। बस इसे एक आधा मिनट और कुक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया शादियों वाली ना मखाना, मतलब मटर मखाना सब्जी तैयार है। इसे आप इंजॉय कीजिए चपाती, नान, लच्छा परांठा या फिर राइस के साथ।